नमस्कार है, जय हिंद है। क्या आप बिजनेस ओनर हैं एंड क्या आप वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज में फॉल करते हैं? पहली कैटेगरी, आप बिजनेस ओनर हैं, सीनियर बिजनेस ओनर हैं, कई सालों से बिजनेस करते आए हैं, मस्त पैसा कमाया है, मगर अब आपको लगता है कि एक और ऑल्टरनेटिव बिजनेस खड़ा करने का मन कर रहा है, मगर समझ नहीं आ रहा कि कौन सा बिजनेस शुरू करें। तो क्यों नहीं, बिजनेस एक अच्छा सेटअप किया है तो अपने इस बिजनेस से पैसा जो कमाया है उसी को कैसे मैनेज किया जाए, उसी को एक तरह से बिजनेस मान लिया जाए। या शायद दूसरी कैटेगरी, हमारा बिजनेस है, खास चल नहीं रहा, मन कर रहा है कि एक ऑल्टरनेटिव बिजनेस चलाया जाए। तो ऑल्टरनेटिव बिजनेस के तौर पे उस पैसे को जो आपने बिजनेस में लगाया है, अगर आप उसी पैसे को प्रॉपर वे में पोर्टफोलियो के तौर पर डेवलप करें, वो भी अपने आप में उसको हम बिजनेस की निगाहों से देख सकते हैं। या शायद हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो बिजनेस में आने की सोच रही है, वो साथ में मार्केट को भी सीखना चाह रही है, शेयर मार्केट को भी सीखना चाह रही है, तो शायद वो भी कैटेगरी हो सकती है, यानी कि यंग बिजनेस ओनर। या चौथा, हमारा बिजनेस सही चल रहा है, पैसा हम मस्त कमा रहे हैं, मगर साथ साथ हमें ये नहीं पता कि इस पैसे को लगाएं कैसे, फर्दर इस पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए। एंड कहीं ना कहीं हम ये सारी चीजों को पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज के लिंक करेंगे तो एक ये यूनिक मॉडल हो सकता है। पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज क्या है, उसके लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज के बारे में। एंड साथ में मैं चाहूंगा कि आप मेरा डिटेल प्रोफाइल जरूर विजिट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है डिटेल प्रोफाइल देखने का, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, एक ट्रस्ट बिल्डिंग रहेगा इस वीडियो को डीपर वे में समझने के लिए और क्यों पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज यूनिक है इसके लिए। एक्चुअली मैं वीडियो 3 जब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्यों हमारे साथ पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज करने में यूनिकनेस है। एंड रैदर मैं तो ये भी कहूंगा कि ये जो पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज की जो जर्नी है, ये एक यूनिक मैजिकल जर्नी है जिसके बारे में, यूनिकनेस के बारे में आपको फर्स्ट मंथ में ही समझ आ जाएगा। एक्चुअली पहले महीने में आप ये कहेंगे कि ये तो कभी हमने सुना ही नहीं था, देखा ही नहीं था, पढ़ा ही नहीं था। एंड रैदर 3 महीने में आप खुद कहेंगे कि मार्केट जैसे से हम सीख रहे हैं वैसे ही बिहेव कर रही है। एंड 3 से 6 महीने में जब आप सीखते सीखते आगे बढ़ते हैं तो आप लर्निंग के साथ साथ आप अर्निंग भी करनी शुरू करते हैं विद कैपेबिलिटी। एंड उसी को हम फर्दर हैंड होल्डिंग जर्नी से फर्दर कंटिन्यू करते हैं। एंड मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस यूनिक मैजिकल जर्नी अबाउट लर्निंग द मार्केट्स एंड नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू मार्केट्स, रादर ओवरऑल पोर्टफोलियो बिल्डिंग की एक्सरसाइज के तहत आप इसको एक बार एक्सप्लोर करके देखें। नमस्कार है, जय हिंद।